दिखाने वाला हूँ बेहद ही खूबसूरत और नायाब और अनएक्सप्लोर्ड जरासंध का हवेली। भाई बोला जाता ना, कोई खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए ये रस्म होता है, रिवाज होता है कि कुछ ना कुछ नजराना देना पड़ता है। तो नजराना में हम लोग को देना पड़ रहा है, अपने शरीर को कांटों से छल्ली करवाना पड़ रहा है। ये देखिए जितना भी है, ये सब पेड़ है सारे में कांटे हैं और हमारे हाइट से ऊपर ऊपर के हैं। तब बाबा बताइए कैसा रहा पहाड़ पर चढ़ने का सफर आपका? बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया रहा। मेरे वजह से काफी परेशानी हुई। कहाँ के लिए का मिल जाते। ये देखिए बाबा के हाथों में काफी खरोच आ गया कांटे से, पैर में भी लग गया ना। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है और बाबा को हम बोलते रह गए कि बाबा आप मत आइए मत आइए। क्यों आए बाबा? आया अभी दोनों के लिए कि गया है मेरा आदमी, जरा चल के अपनी नजर से ना देखेंगे तो हमको गम होते रहेगा। अच्छा ये बताइए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हाँ? उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस पहाड़ पे क्या सेफ्टी वाइज आना उचित है या नहीं? हाँ उचित है। उचित है ना? उचित है, मगर अकेले नहीं आना चाहिए ना। अकेले ना। हाँ, अकेले नहीं। हाँ अब विष्णु चरणोदगम का चरण छू के आइए। हाँ कुछ नहीं, मंदिर में जहाँ पे बाबा बैठते हैं वहाँ पे पहले दर्शन कीजिए और उसके बाद पहाड़ का चढ़ाई कीजिए। बाबा से मार्गदर्शन जरूर ले लीजिएगा। और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जो मंदिर है विष्णुपद चरण, क्या नाम है मंदिर? हाँ, विष्णुपद। विष्णुपद जो मंदिर है यहाँ बिहार के राजगीर में, तो वहाँ मंदिर काफी प्राचीन है, इतिहास में उसका बहुत महत्व है, मगर मंदिर काफी जर्जर हो गया और मंदिर का देखभाल यही बाबा करते हैं और एक और महंत है वो करते हैं। हाँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आइएगा थोड़ा बहुत दान कर दीजिएगा तो आपका कुछ नहीं घटने वाला है, मंदिर की उन्नति थोड़ी हो जाएगी, बढ़ेगी। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये प्राचीन धरोहर है, ये ऐतिहासिक स्थल है और आने वाले पीढ़ियों को भी ये दिख सके, मैं इसलिए बस बोल रहा हूँ, है ना बाबा? हाँ, प्रोग्रेस करेगा मंदिर ना तो थाम सब जगह बन जाएगा। अब बाबा अपने अंदाज में थोड़ा बोलिए तो कुछ। हाँ ये प्राचीन है, कूड़े और कपड़ा जोगने का चीज है, ये जोगा हुआ जो धरोहर है हम लोग को देखा हुआ है और देखने के लिए आप लोग भी छोटे बड़े हाथ जोड़ते हैं, दर्शन विष्णु चरणोदगम का जरूर कीजिए। जी हाँ, मंदिर बेहद छोटा है परंतु बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक है, आप यहाँ आएंगे तभी इस चीज को फील कर पाएंगे। हाँ तो आप जरूर आइए यहाँ पे। बड़े बड़े मंदिरों में आप लोग जाते हैं वहाँ का नाम ख्याति ज्यादा इसलिए, मगर छोटे मंदिरों में भी कभी आइए, वहाँ आने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना उसका अलग ही बात है। अभी देखे बाबा कुछ सुनाने वाले आप लोग को, क्या सुना रहे बाबा? होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। गाना कितना प्यारा है। इसी गाने को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है अगर इंटरनेट पे तो लोग इसको वायरल कर देते हैं, फैला देते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अच्छे चीजों को पसंद नहीं करते हैं। भाई ऐसा क्यों है? नकारात्मकता में क्यों जीते आप लोग? कभी सकारात्मक सोच भी विकसित कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पहाड़ के पिक पे और ये वो जगह है जहाँ पे आज तक किसी भी चैनल का कैमरा आज तक नहीं पहुंच पाया। तो आप लोगों को दिखाने वाला फर्स्ट टाइम ये व्यू। ये देखिए मेरे जस्ट सामने ये जो लेक आपको इतना छोटा सा दिख रहा ना, ये छोटा सा है नहीं, ये आप लोग पहले का वीडियो अगर देखे होंगे, इसके जस्ट पहले का वीडियो, तो उसमें आप घोड़ा कटोरा का वीडियो देखे होंगे, तो वो जो झील है ना वो घोड़ा कटोरा है और इस पहाड़ पे से वो घोड़ा कटोरा इतू सा लग रहा है। और वो देखिए दूसरे पहाड़ पे जो शिखर पे दिख रहा वो है विश्व शांति स्तूप, वो भी वहां से यहां से इतू सा दिख रहा है। तो बाकी का फुटेज आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूं यहाँ का, जो कि अमेजिंग होने वाला है।
बाबा हाँ? एक बात बताइए, आप बोल रहे थे कि ऊपर में वो जरासंध का बैठका है हाँ? तो वो तो आप दिखाए हाँ? और आप बोल रहे थे कि हवेली भी है हाँ, हाँ? हवेली नहीं दिखा? हवेली जहाँ पर रखे के नजदीक खड़े हुए हैं ऊपर चोटी पर हाँ? बैठे जहाँ थे आप? अच्छा, जहाँ हम लोग बैठे थे जहाँ पे ध्वज था हाँ, 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 हाँ? वही है हवेली, वही है, वही है। तो हम लोग के हवेली के ऊपर बैठे होते, भर गया क्या? हाँ, भर गया। कैसे भर, कैसे गया? थोड़ा ये सब अंग्रेज दिया, तहस नहस कर अंग्रेज इसको बर्बाद किया। युग के बारे में क्या बोल रहे थे? युग के बारे में चार चार युग का है, पहाड़ पर है। आज से चार युग पहले, जैसे अभी कल युग चल रहा है, सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, है ना? हाँ, 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 अभी कल युग आ गया। कल युग तो मतलब इतना ज्यादा प्राचीन ऐतिहासिक होने की वजह से वो जर्जर होके उसका खत्म ही हो गया। हाँ, बस थोड़ा बहुत अवशेष बचा है, मतलब हवेली था, अभी भी ईटा वगैरह है। हाँ, ईटा है वहाँ पे, बिल्कुल प्राचीन ईटा, जो कि आज के जमाने में देखना मुश्किल है, है ना? नक्शेबाज है। हाँ, में चांद है। हाँ, हाँ, चांद चांद बना हुआ जितना भी ईटा है सब में, है ना बाबा? हाँ, हाँ, ठीक है बाबा, धन्यवाद। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही, हम लोग जाने वाले तक, मगर वो आगे है पहाड़ों में, जंगलों में, और वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि झाड़ी और जंगल जो है इतना ऊंचा ऊंचा है, और देख सकते हैं यहाँ के बाद बिल्कुल खाई है। तो सेफ्टी पर्पस से हम लोग नहीं जा रहे हैं, और आप लोग भी अगर यहाँ तक किसी तरह से आ जाइएगा तो आगे जाने का कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। ये आप लोगों को सोशल मैसेज है, क्योंकि वो सेफ नहीं है जाना वहाँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए इतना खूबसूरत वैली और इतना खूबसूरत व्यू बिहार का, हर किसी को पता चलना चाहिए, हर किसी को पता चलना चाहिए ये चीज़। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।